नमस्ते और आदाब। यही सोच रहे हो ना कि यहाँ क्यों नहीं देख रही है, क्या सोच रही है ये? सोच रही हूँ कि आपको अपने किस्से बताऊँ। कैसा रहा ये 2 साल, ये 1.5 साल, अपने आप अकेले, सबके बीच में होके भी अकेले। क्या जानना चाहते हैं आप? क्यों जानना चाहेंगे आप? क्या दिखाना चाहती हूँ मैं? अगले वीडियो में बताती हूँ। इस महामारी के माहौल में जैसे हम सब ने अपना अपना एक तरीका ढूंढ लिया है, या शायद अभी भी ढूंढ रहे हैं, वक्त बिताने का, वक्त को समझने का। कुछ लोगों ने खाना बनाया, कुछ लोगों ने कविताएं लिखी, कुछ लोगों ने बस सब्जियां धोई, सुखाई और खाना बनाया। मैंने भी कुछ कोशिशें की थी रंग से अपने आप को बयां करने की, पर रुक सी जाती हूँ मैं। वो 1.5 साल में भी कुछ इंस्टाग्राम नहीं किया था, कुछ नहीं दिखाया था किसी को भी। कैसे दिखाती मेरे मन की बात? क्यों दिखाती? क्या आपको समझ में आएगी? किससे बात कर रही थी मैं? बस ऐसे ही चंद सवालों की वजह से आज हम यहाँ पहुँच गए। हमने सोचा एक सामूहिक संग्रहालय बनाते हैं, आपकी, मेरी, हम सब की यादों की जैसे एक छवि बनाना चाहते हैं। सालों के बाद जब लोग जानना चाहेंगे कि भारत में महामारी की वजह से लोगों पे क्या बीती, तो लोगों की खुद की एक आवाज़ हो, आपकी एक खुद की एक छवि हो, आपके अनुभवों की। क्या आपके मन में भी कोई ऐसी बात है जो आपने किसी को बताई ना हो, जैसे एक झिझक सी महसूस होती हो? कोई दर्द की कहानी होनी ज़रूरी नहीं है, खुशी का पल भी हो सकता है। तो खोलिए अपने आप को, अपने अनुभवों के बीच में से बताइए वो कौन सा अनुभव है जो इतिहास को याद रखना चाहिए। हमें भेज दीजिए, हम उसे सुरक्षित रखेंगे।